मैं तेरी 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 सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के आगे निभा देना तुम ही समय मुझे बरसा तुम देव मैं पुजारी तुम ही समय मुझे बरसा तुम देव मैं पुजारी यह बात अगर सच है यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो माया है आगे निभा देना आँखों में समा जाओ पलकों पे रहा करना आँखों में समा जाओ पलकों पे रहा करना दरिया बिस्तरी में दरिया बिस्तरी में मौजों में रहा करना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना मैं मर जाना है मैं ताकीर पाल कर जाना है कौन कहे मैं मर जाना कृपाल कर जाना है लम्मा चौड़ा सागर जेड़ा लम्मा चौड़ा सागर जेड़ा हौले हौले तर जाना है हौले हौले तर जाना है जीवन दीरा विच आई जीवन दीरा विच आई मौत मोई मर जाना है मौत मोई ने मर जाना है जीवन दे नक्शे अंदर जीवन दे नक्शे अंदर रंग सावन दा पर जाना है रंग सावन दा पर जाना है वड़ी सारी उम्रा पोगी वड़ी सारी रहना नहीं ये कर जाना है रहना नहीं ये कर जाना है कृपाल दी चर्चा होनी है कृपाल दी चर्चा होनी है जां जिना नाम जप जाना है जां जिना नाम
जप जाना है। कोई मेरा ना रोके, कोई मेरा ना रोके, जाना है सच मुझ जाना है, जाना है सच मुझ जाना है। तोरो मैनू हंस के तोरो, तोरो मैनू हंस के तोरो, अपने ही मैं कर जाना है, अपने ही मैं कर जाना है। जद भी चाहेगा अजायब, जद भी चाहेगा अजायब, खाली पिंजर कर जाना है, खाली पिंजर कर जाना है। कौन कहे मैं मर जाना है, मैं ता कृपाल कर जाना। रादास बानी पलटू साहिब जी की भक्ति जन। हरी हरी जन को दुई कहे, सो नरक जाए। हरी हरी जन को दुई कहे, सो नर नर के जाए। परम संत सतगुरु पलटू साहिब जी की बाणी है। बाणी लेने के पहले आज हम यहां पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, बाबा अजायब सिंह महाराज जी का पुण्यतिथि आराधना करते। आज के दिन ही बाबा जी ने 16 PS में शरीर छोड़ा था, और आज के दिन बहुत सब जगह पे उस दिन वहाँ पे ये पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। को बाबा जी के बारे में जहाँ तक है हमेशा बताते आए हैं कि वो भी एक बड़े दयालु थे, पहुँचे हुए संत महात्मा थे। कहते हैं कि जो बचपन से जैसे कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण से माँ बाप की साया बचपन से ही हट गई, और कहते हैं कि उनके मामा ने उनका पालन किया, जो बड़े एक जमींदार थे, सैकड़ों एकड़ के मालिक थे, और वो इनको बड़े प्रेम प्यार से पाला। लेकिन इनका ख्याल बचपन से परमारथ भक्ति की तरफ होने से खेती गृहस्थी की तरफ पड़ा नहीं रहता था। हमेशा एकांत स्थान में जाके भजन में बैठना, उस मालिक की याद में बैठना, और बहुत कहते उस मालिक के बारे में सोचना, जो कि इनके मामा चाहते थे कि ये कहीं एक अच्छा किसान बने और ये प्रॉपर्टी का मालिक बने। लेकिन इनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी। आप धीरे धीरे 14 साल की उम्र में ही, 14-15 साल की उम्र में मिलिट्री में चले गए, अपने जीविका के लिए, आप कमाने के लिए मिलिट्री में जाके भर्ती हो गए, और
रिटायर होने तक उन्होंने मिलिट्री में ड्यूटी भी किया। उस समय बहुत कठिन कुछ साधन भी किए थे मिलिट्री में होते हुए भी। पहले हे राम हे गोविंद का जाप करते थे और बहुत दिन करने के बाद उन्होंने कोई महात्मा मिले जलधारा बताया, जलधारा पानी में आसन मार के जप करने का वो भी किया। फिर और कोई महात्मा मिल गया, बाबा विशनदास जी मिले, उन्होंने दो शब्द का भेद दिया और उसके जरिए उन्होंने प्राणायाम काफी लंबा समय तक किया प्राणायाम, और जिससे उनको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त थी। क्योंकि बाबा विशनदास ने आप एक को ही उपदेश दिया था अपनी जिंदगी में और किसी को नहीं, जबकि बाबा विशनदास एक बड़े अच्छे ऊंचे खानदान में राजवाड़े के कुल में पैदा हुए थे और उस जमाने में उन्होंने एमए पीएचडी किया हुआ था लंदन में जाके, लेकिन सब कुछ छोड़ के बैरागी बने, जो है कि योगी के रास्ते पे निकल पड़े और बड़े अच्छे महात्मा थे और उन्होंने खाली अजायब सिंह महाराज जी को चुना। कहते इस तरह से, लेकिन वो एक अच्छे महात्मा होने के कारण से उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई अच्छा महात्मा मिले तो हमें भी बताना। तो जब आप मिलिट्री के दरमियान आपको सावन सिंह महाराज जी से मुलाकात हुआ पेशावर में सत्संग में गए, सुन के आप बड़े प्रभावित हुए और फिर वहां ब्यास आना जाना चालू किया। कहते हैं कि उनको उनके सत्संग लगे और कुछ सत्संग सुनने के बाद उन्होंने उनसे नामदान भी मांगा महाराज से, तो महाराज ने कहा नहीं बेटा, तुमको नाम देने वाला तुम्हारे पास ही आके देगा। क्योंकि इनकी उम्र हो गई थी तो आपने विशनदास जी को भी महाराज जी के दर्शन में लेके आए सावन सिंह महाराज जी के पास। उनकी बड़ी लंबी उम्र हो चुकी थी बाबा विशनदास की भी और सावन सिंह महाराज भी काफी उम्र हो गया था, तो उससे प्रभावित होकर बाबा विशनदास ने भी प्रार्थना किया कि महाराज मुझे भी उपदेश नामदान दो अपना लो। तो महाराज ने हंस के कहा तुम्हारी संभाल अंदर ही हो जाएगी, और इनको कहा आपको नाम देने वाला आपके पास ही आके देगा। क्योंकि लंबी उम्र होने से टाइम बहुत कम था तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे संभाल अंदर ही हो जाएगी। तो कहते इस तरह से काफी लंबा समय के बाद आप वही दो शब्द का भेद अभ्यास करते रहे, तो कृपाल सिंह महाराज दिल्ली से जाके 650 किलोमीटर, जबकि वहां कोई रास्ता भी नहीं था राजस्थान में, जीप लेके गए और जा करके वहां पे उन्होंने उनको उपदेश दिया। तो कहते हैं जब कृपाल सिंह महाराज आए, आने वाले थे, तो उन्होंने बड़ी तैयारियां की थी। कहते इतनी सजावट की जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न किया हो, ऐसा तो प्रोग्राम करते थे लेकिन टेंट भी नहीं डाला जाता था उस दिन, बहुत सारा लाइटिंग वाइटिंग सजावट। तो लोग अगर गांव वाले पूछते कि क्या बात है आज बड़ी सजावट हो रही, तो बोलते नहीं कल हमारी शादी है। क्योंकि एक भक्त को जिस दिन नामदान मिलता है वही सच्ची उनकी शादी आत्मा और शब्द से होता है, जो नाता कभी टूटता नहीं है। बाहर की शादी तो शरीर के साथ होती है, कर्मों से होती है, ये यही टूट जाती है, लेकिन एक शिष्य और गुरु का जो नाता है वो शाश्वत है, वो कभी टूटता नहीं। क्योंकि आत्मा को गुरु शब्द से जोड़ता है, शब्द से गांठ मारता है और वो गांठ कभी टूटती नहीं परमात्मा की गोद में ले जाने तक। तो वो सच्ची शादी है। जिस दिन जीव को नामदान मिलता है
कहते वही उसका नया जन्मदिन होता है। तो कहते इस तरह महाराज बड़े दयालु थे, हालांकि हमारा उनका जब पहली दफा बॉम्बे में आए थे 78 में, उस समय हम बॉम्बे में थे, आरव सिंह के पास 4 महीना रहे उस समय, जब हम सुमरन पान पान को सुमरन कर रहे थे और ख्याल भी अच्छा था हम तीनों का। ऐसे समय में अजैब सिंह महाराज को कुछ विदेशी लोग लेके आए बॉम्बे में, और मोहन करनानी के 11वें महले पे रुके हुए थे। तो बाद में सत्संग में अनाउंस किया गया कि एक नए महात्मा आए हुए हैं, हम लोग रोज सत्संग में जाने वाले, एक नए महात्मा आए हुए हैं मोहन करनानी, जो बाबा सोमनाथ महाराज जी के शिष्य थे, उनके 11वें महले पे बंगले में रुके हुए थे प्लाट पे। तो अनाउंस किया तो हम लोग बोले चलो, बाबा जी जाके 2 साल हो गए थे, 76 में बाबा जी ने शरीर छोड़ा, 78 में मुलाकात पहली दफा बॉम्बे में। तो हम लोग बड़े खुश हुए, चलो कोई महात्मा का दर्शन होएगा। तो हम तीनों दर्शन के लिए निकले दूसरे दिन, लेकिन जाते जाते सोचते थे कि कोई संत तो नहीं, कोई साधु होगा, ऐसा सोचते सोचते जा रहे थे। तो जब महाराज जी के पास वहां 11वें महले पे लिफ्ट से पहुंचे, तो क्रिस्टोफर हम लोग को देख के बड़ा खुश हो गया, क्योंकि वो भी बाबा सोमनाथ महाराज जी का ही शिष्य था, जो पहले बॉम्बे में लेके आए सब बाबा जी के सोमनाथ के शिष्य थे, बेरनार और क्रिस्टोफर ये लोग थे। तो क्रिस्टोफर बड़ा खुश हुआ, और जाके हम लोग आने के बाद तो महाराज जी का दरवाजा खटखटाया, महाराज अकेले रूम में थे। तो महाराज जैसे ही कमरा खोले, आंख से आंख मिली, तो हम लोग का भी ख्याल बड़ा अच्छा था उस समय, आंख से आंख मिली तो हम लोग की रूह चढ़ाई करी, हम लोग के शरीर में ख्याल ही नहीं, आरआर सिंह गिर गए और हम गिरने वाले थे, हमको पकड़ लिए। तो बाद में इस तरह से 10 मिनट के बाद महाराज जब हम लोग उठे, तो बाद में महाराज पूछते हैं क्यों क्यों कुछ पूछना है, तो पूछना क्या था? संत तो आंख से ही देते हैं, आंख से ही लेते हैं। उन्होंने तसल्ली करा दिया। तो बाद में पूछना तो कुछ नहीं था, बाद में महाराज जी आके हाल में बैठ के हम लोगों खाली 3 लोग के लिए 1.25 घंटा सत्संग दिया था उस समय। वो हमारा पहला सत्संग था अजैब सिंह महाराज जी का 78 का। बाद में फिर वर्ली नाका में आए, जो बाबा सोमनाथ महाराज जी का हाल था, वहां भी बैठे 1/2 घंटा और कुछ सुनाया। फिर दूसरे दिन वही बगल में कार एक चर्च था, चर्च में सत्संग हुआ। फिर नारायण सिंकर के वहां सत्संग हुआ। ऐसे 3-4 जगह सत्संग हुआ, हम लोग अटेंड किए और बाद में बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु जाने के बाद बड़ा लंबा समय, बीच में 10 साल का गैप चला गया। फिर 85 में आए महाराज जी के दर्शन के लिए, बड़ा लंबा समय निकल गया, क्योंकि वहां का माहौल कहीं जाने को मिलता नहीं था, आश्रम का माहौल। तो बाद में जब 85 में दर्शन के लिए गए, तो बाबा जी ने बिठा के, और हमारा ख्याल बनारस जाने का था, लेकिन बाबा जी बिठा के कहते बेटा तुमको आंध्रा में रहना है, तुम बनारस जाने का ख्याल छोड़ दो, तुमको वहां सत्संग करना है, बाबा सोमनाथ महाराज ने जो पेड़ लगाया उसको पानी देना, ये तेरी ड्यूटी है। और बाबा सोमनाथ ने मेरी ड्यूटी जवाबदारी दी है मेरे को, और मैं उनके शिष्यों के लिए बॉम्बे का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ समझाए, मैं रोते रहा, क्योंकि मेरा ख्याल नहीं था आंध्रा में आने का, 14 साल हो गए थे।
आंध्रा कर्नाटका में रह के मैं परेशान हो गया था, यहाँ कोई महात्मा भी नहीं गांव जाने के लिए। लेकिन महाराज बोले, नहीं बेटा तुमको आंध्रा में रहना। पौना घंटा तक समझाए, बाद में बड़ी लंबी कहानी, बाद में हम उनकी एक छोटी सी बात मान के यहाँ लौट के आए। और फिर बहुत जगह जगह जमीन देख रहे थे तो यही जमीन मिली। ये उनकी ही कृपा है कि आज ये जमीन बंजर थी, उबड़ खाबड़ थी, पानी बहते थे, सब खड्डे पड़े हुए थे और एक पेड़ भी नहीं था जहाँ हम बैठ सके, सब ऐसा उजाड़ था। तो 3 साल जो फसल डालते थे तो उसमें कुछ नहीं होता था क्योंकि बंजर पड़ी हुई जमीन, खाद डाल डाल के मेहनत कर करके 3-4 साल के बाद थोड़ा थोड़ा फसल होने लगा, नहीं तो खाली घास ही पैदा होते थे, बीज भी नहीं निकलता था जो डालते थे। तो बाद में धीरे धीरे आज यही जमीन सोना उगल रही है, उगल रही। तो ये उन महान पुरुषों का ही कृपा है। तो इसीलिए हम अपने, पहले तो हमारे गुरु सोमनाथ महाराज जी थे और दूसरे गुरु बाबा अजय सिंह महाराज है। मैं दोनों को अपना गुरु मानता हूं और दोनों ने हमें नामदान दिया है, दोनों की दया है। इसीलिए मैंने अपने आश्रम का नाम, जो उन्होंने दया किया है, इसका नाम सोम अजय कृपा आश्रम रखा कि ये उनकी कृपा से बना हुआ है और जो कुछ भी हुआ है सब उनकी कृपा से हो रहा है। तो वो महापुरुष बड़े दयाल थे। हालांकि हम बाबा सोमनाथ महाराज जी के शिष्य होके भी हमारे प्रति उनका बहुत बड़ा प्रेम और प्यार था। और बॉम्बे में जब प्रोग्राम हो जाता था 2-3 साल लगातार जो सेवा आती थी वो हमको अकेले कमरे में ऊपर बुला के बैठा के थप्पी लगवाते थे अपने सामने। थप्पी लगा, मैं उनके सामने बैठने से डरता था, सब थप्पी लगा के काले बैग में डाल के कहते थे ले जा पप्पू को बताने, किसी को दिखाना नहीं, ले जा के सेवा में खर्चा कर दे। तो इस तरह से मैं लाके यहाँ पे एक एक छोटा छोटा कमरा बनाने लगा और आज उनकी कृपा से यहाँ जो कुछ दिखाई देता है ये उन महान पुरुषों की कृपा है। तो इसीलिए कहते हैं संतों की कृपा, कहते हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने से, उनका हुक्म पालन करने से ही मिलता है। तो ये पलटू साहब की वाणी है। पलटू साहब जी इस वाणी में फरमाते हैं, हर हरजन को दो कहे, हाँ सो नर नर कही जाए। कहते जो हरि हरिजन को दो कहता है वो जरूर नरक में जाता है, क्योंकि हरि हरिजन में कोई फर्क नहीं होता है, एक गुरु और गुरुमुख में कोई फर्क नहीं होता है। जब हम गुरु के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, अपना सब कुछ उनके ऊपर समर्पित कर देते हैं, हम गुरु का बन जाते हैं, गुरु हमारा बन जाता है और अपनी सारी बरकत लेके अंदर आके बैठ जाता है। तो कहते हैं उनके मुखमंडल पे भी गुरु का ही स्वरूप दिखाई देता है, जिसकी कृपा होती है उसी का रूप दिखाई देता है। तो ये है संतों की बड़ी कृपा है। कहते वो कर ले आप समान, वो क्या करते हैं अपने एक मलिन जीव को भी अपने जैसा ही बना लेते हैं, ये उनकी बड़ी अपार कृपा होती है। तो कहते हरि हरजन को जो धोकर जानता है तो उसको नरक से छुटकारा नहीं, क्योंकि हर समय भगवान भक्तों के हृदय में वास करता है। देखो राजा अम्बरीश, वो हरि भक्त थे, नारायण भक्त थे और उन्होंने 1 साल उपवास व्रत किया। उपवास व्रत होता है कि बगैर अन्न के,
फल फलाहार के ऊपर एक साल रहना, मालिक के भजन सुमरण करना। एक साल होने के बाद में क्या नियम है कि यज्ञ करा के और जितने भी महात्मा साधु संत और ब्राह्मण हैं सबको खाना दे के भोजन करा के और सूर्य अस्त होने के पहले ही जो ये व्रत है उसको खाना खा लेना चाहिए। तो ये नियम था। तो राजा ने क्या किया, सबको आमंत्रण दिया, सब तरफ से लोग आने लगे, साधु संत महात्मा ब्राह्मण साधु, तो सबको भोजन पे बिठाते गए, भोजन खिलाते खिलाते 4:30-5 बजे। अब 1 घंटा ही है सूर्यास्त होने में, तो थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया। तब ये दुर्वासा राजा का व्रत भंग करने के ख्याल से, उनका उद्देश्य ही बुरा था, 1000 शिष्य के साथ में आ गए और आ गए। अब नियम क्या है, किसी को पीछे नहीं भेजना। हालांकि वो राजा थे, उन्होंने खाना पकड़ा है, दोनों बोले महाराज आप भी बैठ जाओ, तो कहते नहीं, मैं बगैर स्नान किए भोजन नहीं करता। बोले अच्छा महाराज जाओ नदी में स्नान करके आ जाओ। अब वो जानबूझ के दूर चले गए और स्नान करके और ऐसे समय में आए जबकि सूर्य अस्त हो गए। तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया, यज्ञ करने वाले लोग, कि महाराज अगर सूर्य अस्त के बाद आप भोजन करोगे तो आपको 1 बरस फिर व्रत रहना पड़ेगा, उपवास व्रत करना पड़ेगा, तो आप पहले सूर्य अस्त के पहले ही खाना खा लो। राजा उन ब्राह्मणों का बात सुन के बाद ठीक ही 10-15 मिनट हो गए थे, रह गए थे सूर्य अस्त को, तो उन्होंने बैठ के भोजन पा लिया और आधा घंटे के बाद दुर्वासा आए अपने 1000 शिष्य को टोली लेके, वो तो उद्देश्य से थे आए। तो दुर्वासा को किसी ने बताया कि राजा ने भोजन पा लिया, बड़ा गुस्सा हुआ, हम अतीत हैं, हमारा सत्कार किए बगैर राजा कैसे खाना खा लिया, हम भोजन नहीं करते, हमारा अपमान हो गया, अभी हम राजा को श्राप देते हैं। और बड़े गुस्से में आके भला बुरा कह के उन्होंने एक बाल तोड़ा सिर से और उसको मंत्र पढ़ के और राजा के ऐसा पटक दिया नीचे, एक बड़े विकराल राक्षस पैदा हुआ, बोला राजा को खत्म कर दो। वो तो उद्देश्य से आए थे, अब वो राक्षस राजा की तरफ चला, राजा भोले भाले, उनके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं थी, वो हरि जाप करते हुए बैठे थे। तो जैसे ही वो राक्षस उनकी तरफ चला तुरंत चक्र आ गया और राक्षस का सिर उड़ गया। अब वो चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ा हाँ वो भागे 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 भागे, अब कहाँ जाए, त्रिदेव के पास जाना, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश को भागे भागे देवलोक को गए। पहले ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा कहते भाई हमारे से होने वाला नहीं है, जिसने छोड़ा है उसी के पास जाओ। शिव के पास गए, शिव भी कहते हैं हमारे से भी ये चक्र रुकने वाला नहीं, अब जिसके पास से आया उसी के पास जाओ। फिर विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु कहते भाई मैंने भी इसे नहीं भेजा, कोई भक्त का प्रेम इसे लेके गया है और ये मेरे कहने से भी रुकने वाला नहीं है, तो जिसका प्रेम और भक्ति इसको लेके गई है तुम उसी के चरण में जाके माफी मांगो, वो माफ कर देगा, ये पीछे आ जाएगा, नहीं तो आपका सिर जाना है। अब वहां से फिर भागे मृतलोक की तरफ,
अब ये देवलोक की तरफ जाने में इनको काफी लंबा समय लग गया, 6 महीने। अब वहां से फिर मृतलोक आने में फिर बड़ा लंबा समय लग गया। अब यहाँ राजा की क्या स्थिति हो गई? देखो, भक्तों के अंदर कितनी दीनता नम्रता होती है। वो तो उसे मारने की कोशिश किया, लेकिन ये दुखी हो गए कि हमारे घर से एक ऋषि उपवास चला गया और जब तक वो आके खाना नहीं खाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर 1 साल का उपवास व्रत। जब दुर्वासा आके अम्बरीश के चरणों में गिरे, कहते महाराज बचाओ, चक्र आ रहा है। तो अम्बरीश को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने प्रार्थना किया चक्र से कि आप महात्मा का जान छोड़ दो, पीछे जाओ, लौट जाओ। जब प्रार्थना किया तो चक्र वहां से पीछे आया। तब दुर्वासा का अहंकार खत्म हो गया कि देखो मैं उसको मारने की कोशिश किया और वो मेरी जान बचा रहा है। और दुर्वासा के चरणों में गिर के माफी मांगे, अम्बरीश के चरणों में गिर के माफी मांगे कि ये भक्ति, आपकी भक्ति बड़ी कठिन है, आपने हमारी जान बचाई। और फिर खाना खा के वहां से गए तो कहते ये भक्ति। तो कहते हैं कि हरि अपने भक्तों को उसको ज्यादा इज्जत देता, अपने से ज्यादा अपने भक्तों को इज्जत देता है। ऐसा ही गुरु गुरुमुख का संबंध होता है। तो वही आप इशारा देते हैं पलटू साहब कि जो हरि अर्जुन को दो कहे ताको लागे दोख, माने वो नरक में जाएगा जी। हरि हरि जन को दुई कहे सो नर नर के जाए, सो नर कर के जाए। हरि जन हरि अंतर नाई, पूलन में जो बास रहे, हरि हरि जन माई। फिर वही सारा देते हैं, आत्मा और परमात्मा का कैसा संबंध है, गुरु शिष्य का कैसा संबंध है। कहते हैं जैसे फूल और सुगंधि का, फूल से सुगंधि अलग नहीं रहती है, सुगंधि फूल के अंदर से ही आती है। हालांकि फूल छोटा ही होता है लेकिन सुगंधि सारे दिन निकलता है उसके अंदर से। फूल छोटा ही होता है लेकिन सुगंधि सारे दिन उसके अंदर से निकलते रहता है। कहते ऐसा ही एक भगवंत और भक्त का संबंध है। जितना नजदीकी फूल और सुगंधि का है उतना ही नजदीकी रिश्ता भक्त और भगवंत का है। देखो जब जब भी भक्तों के ऊपर मुसीबत आई है और उन्होंने उस प्रभु को बुलाया, तुरंत हाजिर हुए, तुरंत उन्होंने उनकी रक्षा किया है। आप पुराणों को पढ़ के देखो, शास्त्रों में देखो कितने महात्माओं के जीवन चरित्र लिखे और कथे कथाओं की किताबें हैं, देखो कैसे कैसे समय में भगवंत ने भक्तों की रक्षा किया है। तो कहते ये दोनों का आपसी संबंध होता है। भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। भक्ति में ड्रेस नहीं, भेष नहीं, दिखावट नहीं, समर्पण होता है। भक्ति का मतलब अपने आप को खोना और उसी का रूप हो जाना। जिसका हम भक्ति करते हैं उसी का रूप हो जाना, ये सच्ची भक्ति है। नहीं, ये दिखावटी भक्ति से काम नहीं चलता। अंदर एक और बाहर एक, अंदर एक भावना रखना ऊपर से दिखाना दूसरा। तो कहते भाई ये भेष और भक्ति में बहुत अंतर है। कहते भक्ति और भेष में बड़ो अंतर हो जान, कितना अंतर, जमीन आसमान।
भेष कहते हैं, भेष कहते हैं कि भेष लीन कहते हैं, भेष तो दुनिया दुनिया के चिंतन से जुड़ा होता है, धन दौलत की आशा होती है, मान बढ़ाई की आशा होती है, लेकिन भक्ति त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है, देना सिखाता है, लेना नहीं। भक्ति अपने आप को अर्पित समर्पित करना बड़ी ऊंची चीज है। भक्ति सुनने में जितना सरल है, चलने में उतना कठिन भी है। इसीलिए देखो ऋषि मुनि के पंपापति सरोवर में राम गए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण पढ़ के ही ऋषि मुनि जाके वहां आश्रम बना के बैठे थे राम दर्शन के लिए। तो भिलनी सेवरी भी जाके उनसे दूर एक आश्रम बना के बैठी थी, वो बिचारी की उम्र हो गई थी 60-65 साल, कि हमें भी राम दर्शन होगा। अब ये ऋषि मुनि बड़े तपस्वी थे, कोई 10,000 से कोई 8,000 6,000 बरस से तपस्या करके बैठे हुए थे राम दर्शन के लिए, और भिलनी के अंदर तपस्या नहीं था, प्रेम और भक्ति था। जहां प्रेम और भक्ति होगा वहां पे सेवा भाव भी होगा। तो सेवरी सोचती थी मैं ऐसे बैठ के क्या फायदा, ये बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, हम क्यों ना इनके को सेवा करें। तो रात को जब ये सो जाते थे, दिन में डरती थी कि ये ऊंचे जात वाले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंचे जात वाले हैं, मैं नीच जात की हूं, मैं इनके सामने पड़ गई तो श्राप दे देंगे। तो जब ये सोते थे तो सेवरी रात को उठ के जाके इनके घर के सामने आश्रम के सामने कसा माने सब साफ करते थे, इनका स्नान करने का रास्ता भी साफ करके आती थी। तो एक दिन इन ऋषियों में एक मातंग ऋषि थे, बड़े कमाई वाले थे और उनकी 100 के ऊपर उम्र थी मातंग ऋषि के। तो उन्होंने देखा कि कौन है जब सब सोते हैं और वो सेवा करता है, ऐसा कौन है। लेकिन वो मिलते नहीं थे, कोई घर के बाहर आते ही छाया में जाते थे पेड़ के नीचे। तो उन्होंने दो शिष्यों को ड्यूटी दिया कि तुम राखन में रहो, कौन है वो सेवा करता उसको पकड़ के हमारे पास लेके आओ। तो शिष्य लोग पहले से ही जाके अंधेरे में पेड़ के नीचे बैठे थे। अब सेवरी को 12 बजे के बाद आके सेवा करने लगी रात को, ये ऋषि बाहर आ गए। अब सेवरी कांपने लगी, अरे मैं तो मेरे इनके सामने आ गई, अब ये श्राप दे देंगे। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं माता, हमारे गुरुदेव बुलाए हैं तो आना है। तो लेके जाते हैं, डरते डरते गई कि ना मालूम आज क्या हालत होगा। जब मातंग ऋषि के सामने ले जाके ऋषि खड़ा किए, शिवरी कांप रही थी डर से, जहां भक्ति होगा डर भी होगा सेवा भी होगा। कांप रही थी। तो मातंग ऋषि की हालत देख के कहते हैं, बेटी मैं तुझे श्राप देने के लिए नहीं बुलाया, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, जब सब सोते हैं तू सेवा करती है, तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूं। तब जब इतना कहते हैं उसको बड़ी अंदर से प्रेम, और वो उनके चरणों में गिर पड़ी। तो मातंग ऋषि वहीं बिठा के उसको उपदेश देते, क्योंकि उस बिचारी को उपदेश नहीं था, गुरु नहीं था, और गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। शास्त्र पुराण भी कहता है, संत महात्मा भी कहते आए हैं, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, गुरु के बगैर स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में भी प्रवेश नहीं। तो बाद में वही चरणों में गिर पड़ी। तो बाद में मातंग ऋषि ने उसे उपदेश दिया, और उपदेश देकर के आशीर्वाद भी दिया कि बेटी अगर राम आएंगे तो पहले तेरी कुटिया में आएंगे। ये मातंग ऋषि का आशीर्वाद था।
अब जब आशीर्वाद दे दिया तो इसको चिंता हो गई शिवरी को, अब राम लक्ष्मण कुटिया में आएंगे तो उनको क्या नाश्ता देंगे, अब जंगल में होता है क्या, गरीब भील जात की, तो क्या करते थे, जो बैर पक के गिरते थे वो सब जमा करके लेके आते थे प्रेम से, अच्छे अच्छे बैर, फिर सोचते थे इसके अंदर कहीं कीड़े नहीं हो और बैर खट्टा नहीं हो, राम को खट्टा बैर कैसे दे, तो थोड़ा चख लेते थे, जो मीठे होते थे कीड़े के बगैर होते थे वो रख लेते थे, जो खट्टे होते थे कीड़े वाले वो फेंक देते थे, तो ऐसे कुछ दिन से चखा हुआ बैर जमा किया था, उसको ये ख्याल नहीं कि बैर झूठे हो रहे, खट्टे और कीड़े वाले बैर कैसे दे, तो बाद में वो समय आया, राम लक्ष्मण आए पंपापति को और आए तो सारे ऋषि मुनि अपने अपने अहंकार के नशे में अपने अपने आश्रम के दरवाजे पे खड़े थे कि मैं बड़ा महात्मा हूं, मैं बड़ा महात्मा हूं, मैं इतने हजार बरस से तपस्या कर रहा हूं, राम आएंगे तो मेरी कुटिया में आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे, सबके अंदर अहंकार था तो राम उनके सामने होते हुए सीधा शिवरी की झोपड़ी में गए, तब तो इनको बड़ा झटका लगा कि वो ये अवतार नहीं है, अवतार होता तो इसको ये भी पता नहीं वो नीच जात के है, और ये लोग हमारे जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय कुल वाले होते हुए एक भील की झोपड़ी में चले गए नीच कुल वाले ये अवतार नहीं, फिर सोचते अगर अवतार ही हो वह ऐसे ही चला गया तो हम लोग बगैर दर्शन के पड़े रह जाएंगे, क्या करें, सब लोगों ने मीटिंग लिया, चलो परीक्षा लेंगे, अगर अवतार ही होगा पार ब्रह्म का तो उसके चरण धो के पानी मांगेंगे, पंपापति सरोवर में डाल देंगे, सरोवर का पानी कीड़े बहुत है, गंदे बहुत है, स्नान करने कपड़ा धोने काम में आते लेकिन पीने काम में नहीं आते, अगर ये पार ब्रह्म का अवतार होगा इसके चरण का पानी डाल देंगे निर्मल हो जाएगा पीने के काम में आ जाएगा, तो सब मीटिंग लेके पहुंचे, जिस तरफ देखते भी नहीं थे वहां इनको जाना पड़ा जाके झुक झुक के देखते हैं शबरी के झोपड़ी के अंदर राम बैठे हैं बड़े प्रेम से बैर खा रहे हैं शिवरी दे रही है एक खारे दो बैर राम लक्ष्मण जो बाहर पहरे पे थे उनको भी बुला के दो बैर शिवरी ने दिया और राम ने दिया, अब लक्ष्मण गुस्से वाले देखा ये खाया हुआ बैर झूठा बैर मैं कैसे खाऊं, बड़ा गुस्सा आया लक्ष्मण को और उन्होंने जोर से उसको फेंक दिया गुस्से में, और बगल में जो सुमेर पहाड़ था उसके ऊपर जाके गिरा वो पहाड़ पे जाके बैर गिरा तो बाद में तो ये लोग देख रहे हैं क्या ये झूठा बैर दे रही है खा रहे हैं, क्या पार ब्रह्म है क्या अवतार है, इनको इतना ही पता नहीं कि बैर झूठे हैं तो ब्राह्म बड़े प्रेम से खा रहे, तो बाद में लोग हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज पंपापति सरोवर का पानी स्नान करने कपड़ा धोने काम में तो आता है और पीने काम में नहीं आता, आप पार ब्रह्म के अवतार हैं, पैर धो के चरण का पानी डालने दो निर्मल हो जाएगा पीने के काम में आएगा, राम इनके दिल के बात जान के ही शिवरी के घर गए थे तो राम कहते अरे भाई तुमसे बड़ा कौन है, तुम इतने बड़ा 10,000 बरस से बैठे हो, तुम 8,000 बरस से बैठे हो, तुम 6,000 बरस से बैठे हो, तुम्हारे से बड़ा कौन तपस्वी है, जाओ अपना पैर धो के डाल दो निर्मल हो जाएगा, अब रोज स्नान करते थे फिर भी अहंकार हो सकता है तो जाके लोग अपना अपना पैर धो के अपना ही पानी डालने लगे
जैसे जैसे इन सब का पानी तालाब में गिरा उतने कीड़े और बढ़ गए, उतना ही पानी और गंदा हो गया। फिर वहां से भाग के आए, अरे महाराज वो तो पानी और गंदा हो गया। तो राम हंस के कहते, और कोई दूसरा तरीका तो नहीं है, अगर यह सेवरी अपना पैर धो के डाल दे तो निर्मल हो सकता है। अब सेवरी कांपने लगी, कहती अरे महाराज मैं तो हाथ लगाऊ तो इनके काम में आने वाला नहीं, मैं पैर धो के चरण का पानी डालू ये कैसे पिएंगे महाराज, आप दया करो। नहीं नहीं माता तू जा। अब राम का वाक्य न हटा के गई डरते डरते, और आधा बाधा पानी धो के उसने उसमें डाल दिया तो सारा तालाब का पानी एकदम निर्मल और पवित्र हो गया। तब कहते हैं खाए सेवरी के बैर हुए सब ऋषि में रोई। पलटू साहब ने कहा है कि वहां जाके जूठे सेवरी के बैर खाए, ऋषि मुनि सारे रोए कि परमात्मा ने हमारी परीक्षा ली है। बाद में उनका अहंकार चला गया और जाके राम के चरणों पे गिर गिर के रोए। देखो सेवरी का प्रेम कैसा था। हालांकि 3 दिन राम सेवरी के कुटिया में थे, और तीसरे दिन चौथे दिन कहते हैं कि माता मैं यहां बैठूंगा मेरा काम कैसे होगा, तू छुट्टी दे दे मुझे जाना है। तो सेवरी तो रोक नहीं सकी, लेकिन वियोग सामने हुआ। जैसे ही राम और लक्ष्मण कुटिया से कदम बाहर रखे, अंदर सेवरी गिर गई, प्राण छोड़ दिए। कहते ये प्रेम है, ये सच्ची भक्ति है। बार बार का तपस्या कोई काम में नहीं आता है। कहते भक्ति सबसे ऊंची चीज है। तो कहते उसने शरीर ही छोड़ दिया, नहीं जी सकी राम का वियोग सहन करके। तो कहते हैं जो बैर का लक्ष्मण ने परित्याग किया था, जिस प्रेम का, वो बैर नहीं था वो सेवरी का प्रेम था। जिस बैर का उन्होंने परित्याग किया था, गुस्से में आके फेंक दिया था, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को अग्निबाण मारा, मूर्छित होके गिर गए, तो वही सुखेन वैद्य कहते हैं देखो इनकी दवा सुमेर पर्वत पे है संजीवनी। अगर सूरज उगने के पहले ही पहले आ जाए तो ये बच जाएंगे। तो अब इतना जल्दी जाके आने वाला कौन है हनुमान के अलावा। तो हनुमान तैयार होते क्यों, वो शिव के अवतार थे हनुमान, क्योंकि जब विष्णु राम के अवतार में आए तो देवी देवता लोग बंदर बन के आए इनका मदद करने के लिए, अपने आप को छिपा के। ये बंदर लोग कौन थे, देवी देवता लोग थे। तो ये लोग अब शिव, ये लोग भी बोला हम लोग बैठ के क्या फायदा, हम भी राम के माने विष्णु के मदद के जाएंगे। तो वही शिव हनुमान का अवतार लेके आए। वो हनुमान शिव का अवतार था। उन्होंने कहते हैं कि वो हनुमान का अवतार लेके आए। तो कहते ये सब देवी देवताएं थे, बंदर ये कोई छोटे मोटे आत्माएं नहीं थी, ये सब राम के मदद के लिए आए हुए थे। विष्णु अपना फौज लेके आया हुआ था, मिलिट्री ऊपर से लेके आया था। तो कहते हैं ऐसे भी संत भी आते हैं तो वो भी अपने मिलिट्री लेके आ, फौज लेके आते हैं सेवादार, तो वो भी अपने कुछ बने बनाए आत्माओं को लेके आते हैं। नहीं तो ये मामले सामान्य इंसान नहीं कर सकता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि मैं वो लक्ष्मण को वही संजीवनी जो बैर का परित्याग किया था वही संजीवनी बन के पैदा हुई थी, फिर उसी को पीस के पीने से इनके प्राण वापस आए। जिस प्रेम का त्याग किया था उसी प्रेम को पी करके फिर जान बची। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई
कहते सबसे बड़ी प्रेम और भक्ति का मूल अंग प्रेम है। आत्मा भी प्रेम रूप है, परमात्मा भी प्रेम रूप है, आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता भी प्रेम ही है। जब तक वो प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं प्रकट होता, उस गुरु से मिलने का, परमात्मा से मिलने का कामयाबी सपने में भी हासिल नहीं होती। दिखावटी भक्ति कोई काम का नहीं। और प्रेम को प्रकट करने के लिए सेवा, सुमरन, सुमरन की जरूरत है, सतत सुमरन। सुमरन से ही हमारे पाप कटेंगे, हमारा मन निर्मल होएगा, हमारे अंदर प्रेम प्रकट होएगा। निर्मल मन में मालिक से मिलने का प्रेम प्रकट होएगा, तो इसीलिए सुमरन की जरूरत है जी। संत रूप उतार आप हरिधरी के आए, भक्ति करे उपदेश जगत को राह चलाए। तो कहते हैं वही कुल मालिक संत अवतार लेके दुनिया में आता है और ये भक्ति का रास्ता चलाता है। संत हमें ये नहीं कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, सन्यासी बन जाओ, भिक्षा मांग के खाओ। कहते नहीं, दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन बंदी करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगना मरना दोनों समान है। अगर जो कुछ भी हम मांग के लेते हैं वो कर्जा होता है, ये जन्म नहीं तो आगे जन्म, आगे जन्म नहीं तो आगे जन्म, उस कर्जा को चुकाना पड़ता है। चाहे एक पैसा मांगो चाहे एक लाख मांगो, मांगने से कर्जा ही होता है। आप देखो प्रेम से बिगर मांगे, कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आप मालिक के भक्ति करो, बगैर मांगे मोती मिलता है। जो लोग बगैर मांगे प्रेम प्यार से लाके आपके चरणों में रख के जाता है वो अच्छा है, उनमें उनका कोई लगाव नहीं होता है। लेकिन जो आप मांगते हैं, देखो आप मांगते तो वो प्रेम से नहीं देता है, चाहे रुपया ही हो, दुखी दिल से देता है, विचार करके देता है, वो कर्जा होता है। और उस कर्जे को फिर चुकाना पड़ता है घोड़ा गधा बैल बन के। अगर इंसानी चोले में नहीं तो दूसरे जानवरों के चोले में चुकाना पड़ता है। जो ज्यादा कर्जा की होता है ऐसे लोग बैल के शरीर में पैदा होते थे, घोड़े के शरीर में पैदा होते थे। अब घोड़े गाड़ी में देखो, जहां चार आदमी की जगह 10-12 आदमी बिठा लेते, सटासट चाबुक मारते रहते, पैर सटकता है, उसकी तरफ कौन देखता है? कर्जा। वो घोड़े गाड़ी वाला ही का वो कर्जा लिया हुआ है वो कम। ये बहुत कठिन है साधन। इसीलिए महात्मा कहते हैं भले मजदूरी करके खा लो, भक्ति करो, लेकिन हाथ मत फैलाओ। संत मत इसका विरोध करता है, कभी किसी के आगे मांगना नहीं। सहज पके सो मीठा होवे, सहज में जो भी 5 रुपए 10 रुपए देता है उसमें उसका लगाव नहीं रहता है, लेकिन वही मांगने से जो मिलता है उसमें उसका लगाव होता है। अगर बगैर मांगे 10 लाख भी देने दो उसका कोई लगाव नहीं, वो प्रेम से देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मांगने का जो भी है वो सब कर्ज में हिसाब में आ जाता है और उसको चुकाना ही पड़ता है जीव को। तो वही आप इशारा देते हैं जी। और तेरे उतार रहे निर्गुण संयुक्ता, संत रूप जब इधरे रहे निर्गुण से मुक्ता। तो वही कहते हैं जो है कि अवतार लेके आते हैं
बाहरी शक्ति आती हैं वो संयुक्त निर्गुण और सगुण में मिली हुई होती हैं। अवतार भी कहते हैं, वो भी अवतार लेके आते, वो भी कर्मों के वश में होते हैं। आपको पता है राम अवतार लेके आए, वो भी कर्म के अंदर में थे, जबकि राजा दशरथ और त्रिकाल ज्ञानी वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि ऐसे से मूर्त समय निकाला राम को पट्टाभिषेक करने का, लेकिन क्या हुआ वो मूर्त समय दुख का कारण बना। जो कि ऐसे महापंडित जिसकी तीसरी आंख खुली है, ब्रह्म ऋषि है, उन्होंने बहुत शोधन करके मुहूर्त निकाला कि कल राम को 11:20 पे अच्छा मुहूर्त समय सिंहासन पे बिठाने का, और वही मुहूर्त उनको जंगल में जाने का, सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में जाने का कारण बना। क्यों? कर्म गति डारे नाई डरी, जो विधि विधान में जीव लिखा के लाता है, चाहे अवतार होवे चाहे मामले इंसान होवे, वो हटाने से नहीं हटता है। राम तो अपने विधि विधान में 14 साल वनवास लिखा के लाए थे, सिंहासन कहां से मिले जाना ही पड़ा दुख भोगना ही पड़ा, तो किसी को नहीं छोड़ता कर्म, चाहे अवतार होवे चाहे। तो कहते हैं संत निर्गुण से मुक्ता, ये तीन गुण है ना, रजो तमो सतो, सारे अवतार इसी के बीच में आते हैं। और जो पार ब्रह्म के पार चला जाता है संत महात्मा, वो इनसे मुक्त हो जाता है। इन निर्गुण, देखो इन तीनों का तीन गुण होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इसी को तीन गुण कहते हैं, रजो तमो सतो। रजो ब्रह्मा का गुण है रज गुण प्रधान वाले, माने हर एक गुण इंसान के अंदर होता है, किसी के अंदर सत्व गुण प्रधान होता है, किसी के अंदर रजो गुण प्रधान होता है, किसी के अंदर तमो गुण प्रधान होता है। ये गुण के अंदर ही होते लोग, देवी देवता भी गुण के अंदर ही होते हैं, अवतार भी गुण के अंदर ही आते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखो रजोगुण प्रधान का क्या है, विद्वान होते हैं, अच्छे शास्त्रज्ञ होते हैं, जानकार हो, ये सब थोड़ा व्यापार, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, ये दिमाग ज्यादा, वो रजोगुण प्रधान है। और सत्वगुण प्रधान कौन है, भक्ति भाव, पूजा पाठ व्रत उपवास, ये सब पूजा पाठ में अपना समय बिताते हैं, सत्वगुणी प्रधान। तमोगुणी प्रधान कहते कटकुट लूटपाट कोर्ट कचहरी कोनी बिनी खून करना, ये सब उनका ही काम है, ये तमोगुण प्रधान के लोग हैं। तो कोई ना कोई गुण हर एक इंसान के अंदर प्रधान होता है, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। आपने देखा ना, वाल्मीकि तमोगुण प्रधान थे, जिसको देखते थे उसको पहले मारते थे बाद में लूटते थे, ऐसे नारद ने उनको रामा 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 का जाप दिया और उन्होंने रटन किया, उनके सारे पाप कट गए, अब वो तमोगुण से सत्वगुणी हो गए ब्रह्म ऋषि बन गए। रामचंद्र पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले ही रामायण लिख के रख दिया संस्कृत में, जबकि स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था वो। क्यों? सारा विद्या भंडार आपके अंदर है सब आपके अंदर से निकला हुआ है। महात्मा कहते भाई गुरु का हुक्म मानो, 2.5-3 घंटे भजन सुमरण करके अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सब कुछ आपको अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर की विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब भंडार आपके अंदर है, आपके पिता परमात्मा ने ही रखा है, वो आपको मिल जाएगा जी। पलटू हरि नारद सेती बहुत कहा समझाए, हरि हरि जन को
लास्ट में वो क्या कहते हैं कि हरि नारद को समझा के कहते हैं कि जो भक्त और भगवान को अलग कहता है वो नरकों में जाता है। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को परमात्मा को समर्पित किया होता है और वो भगवान का बन जाता है, भगवान उसका बन जाता है। हम दुनिया के बने हैं तो मालिक हमसे दूर हो जाता है। हम दुनिया दुनिया के रंग में रंगे हैं तो गुरु भी हमसे दूर हो जाता है। तो कहते हैं कि हम गुरु का बन जाएं, गुरु हमारा बन जाता है, और हम बाल बच्चे में रहें कोई फर्क नहीं, तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों काम बन जाता है। आगे तेलुगु सभी बहन भाई जब से बाबा जी अपने रूम में नहीं चले जाते, कोई भी बहन भाई अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, प्रेम प्यार का सब बोला जाएगा, सभी उसके पीछे पीछे बोले।
आलो के सत्संग हाल लगा के आले लिया हाँ लगा के आले मर के